तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं कुछ धमाकेदार न्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। तो गाइस, क्या सच में एलविस यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं बिग बॉस के अंदर? इसके बारे में उन्होंने खुद क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। मैं वाइल्ड कार्ड चला जाऊं इस बार बिग बॉस, मेरा जी कर रहा। मतलब वाइल्ड कार्ड नहीं, एज अ गेस्ट, समझ लो एज अ गेस्ट के बीच में मजे लेने चला गया बीच में कि कैसा चल रहा है, सबको मोटिवेट कर। तो गाइस, अब बात करते हैं हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो बोहिमिया के साथ बैठे हुए थे और ऊपर लिखा हुआ था कमिंग सून, यानी कि हनी सिंह का बोहिमिया के साथ जरूर कोई नया गाना आने वाला है। तो गाइस, अभी बात करते हैं मिथ पैट के बारे में। मिथ पैट ने अपने चैनल के ऊपर कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि काफी कारणों से चल नहीं पाई थी, तो उसे दोबारा से री अपलोड किया गया। इसके बाद वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में मिथ पैट ने क्या कहा खुद सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, फाइनली होमीज का वीडियो अभी अच्छे से चल रहा है, टच वुड। थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए जिसने भी वीडियो वापस जाके देखा है, शेयर किया है, थैंक यू सो मच। अभी यूट्यूब को पसंद आ रहा है वीडियो। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार कीजिए, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। सो गाइस, अब बात करते हैं भारत के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में। मलिक जी का एक बयान सामने आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और मैं लिख के देता हूं कि इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, अगली खबर निकल के आ रही है मुंबई से। इस बार ये खबर आ रही है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के द्वारा स्टेडियम में जितने भी लोग आएंगे उन्हें फ्री में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न दिए जाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।